इस वीडियो को देखने वाले हम में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि एक ग्रेट व्हाइट शार्क को अभी तक एक भी एक्वेरियम में क्यों नहीं रखा जा सका है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। और तो और अभी तक की सबसे ज़्यादा जिंदा टाइम तक रहने वाली जो ग्रेट व्हाइट शार्क है वो सिर्फ 198 डेज तक ही जिंदा रह पाई थी। ग्रेट व्हाइट शार्क जो होती है उसे जिंदा रहने के लिए काफ़ी लार्ज स्पेस चाहिए होता है। ऊपर से इसके गिल्स यानी कि फेफड़े जो होते हैं उनके पास से पानी का गुजरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और यही कुछ कारण थे कि ग्रेट व्हाइट शार्क अभी तक की किसी भी एक्वेरियम में अच्छे से रह नहीं पाई है। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।